प्रिय भैया बहन, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल पीएक्स जीएक्स क्यूएक्स एंड आरएक्स विच सेटिस्फाइड द डिवीजन एल्गोरिथम एंड ठीक है कह रहा है कि एक ऐसे पॉलिनोमियल का चयन कीजिए आप कि जिसकी डिग्री पीएक्स हो सॉरी डिग्री ऑफ पीएक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यूएक्स हो। ध्यान से समझे, तो यहाँ पे आपको जो लिखना है लिख लीजिए, जो भी लिखना है लिख लीजिए, ठीक है, जो भी लिखना है उसकी डिग्री चाहे कुछ भी हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसकी डिग्री क्या है, 2 है, उसकी डिग्री है 2। उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि डिग्री ऑफ जी एक्स प्लस डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ पी एक्स होता है, ठीक है ना। यह है जी एक्स, यह है क्यू एक्स, यह है आर एक्स और यह है पी एक्स, ठीक है। देख तो इसकी डिग्री क्या है, 2। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसकी डिग्री है 2 और इसकी भी डिग्री हमको चाहिए 2, क्योंकि पी एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री इक्वल होनी चाहिए इस हिसाब से, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा है कि इसकी डिग्री प्लस इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इसकी डिग्री प्लस इसकी डिग्री इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 में क्या ऐड करेंगे, ध्यान से सुने, 2 में क्या ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 0, ठीक है, हमने 0 ऐड कर दिया तो 2 आ गया। अब एक बात आपको समझना ये है कि ये 0 किसकी डिग्री होती है, कोई भी कांस्टेंट टर्म आप लेंगे तो उसकी डिग्री क्या होती है, 0, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे कांस्टेंट टर्म, यहां पे आप जो चाहे, ठीक है, यहां पे जो चाहे उसकी डिग्री चाहे कुछ भी हो, बस 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए। जैसे यहां पे हमने जो लिखा उसकी डिग्री क्या है, 2 है। इसकी डिग्री प्लस इसकी डिग्री, ठीक है, इसकी डिग्री के इक्वल होता है। और हमको लाना है कि px की डिग्री 2 है तो qx की डिग्री भी 2 लानी है, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0, तो कोई कांस्टेंट टर्म लेंगे, ठीक है। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें कह रहा है डिग्री ऑफ qx जो है डिग्री ऑफ rx के इक्वल होनी चाहिए, डिग्री ऑफ qx जो है डिग्री ऑफ rx के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं यहां पे आपकी जो मर्जी लिख लीजिए, जो मर्जी लिख लिया आपने, जैसे हमने यहां पे डिग्री क्या लिखा, 2, ठीक है, हमने यहां पे डिग्री जो लिखा है उसकी डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। अब उससे एक डिग्री बढ़ा के यहां लिख दीजिए, जितनी डिग्री यहां लिखे हैं उससे एक डिग्री बढ़ा के यहां लिख दीजिए, कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं आप, स्वतंत्र है, इसीलिए मैं जो लिखा उसकी चर्चा नहीं कर रहा, बात समझ रहा है। चलिए तो देखिए, अगर इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री आपने 3 लिखा तो जाहिर सी बात है कि इसकी डिग्री क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अब यहां पे जो आप लिखेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो एग्जैक्टली डिविजिबल ना होके कुछ ऐसा कीजिए कि उसका जो रिमाइंडर हो, चूंकि रिमाइंडर की जो डिग्री होती है हमेशा जेक्स के डिग्री से छोटी होती है, या रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसा रिमाइंडर हम कर देंगे कि इसका रिमाइंडर का डिग्री क्या हो गया, 1, इसका भी डिग्री क्या है, 1, तो हो गया ना डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। चलिए अब हमको दिखाना है कि डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे आप जो कुछ चाहिए लिख लीजिए, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, इसमें किसी की कोई मर्जी नहीं है, केवल आपकी मर्जी, जो चाहिए लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, कुछ भी, ठीक है, लिख लिया। अब यहां पे कोई ऐसा नंबर लिखिए कि जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करे, लेकिन जब रिमाइंडर मिले तो रिमाइंडर क्या मिले, कांस्टेंट मिले, रिमाइंडर क्या मिले, कांस्टेंट मिले, क्योंकि जब कांस्टेंट होता है तो उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो इसीलिए रिमाइंडर 9 है तो डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो गया, 0।
आशा है कि बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर बात नहीं समझ में आई होगी तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।